हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। अब आप घर बैठे ही KBS PGT मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में 11th से लेके एमएससी तक हर एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी। यहाँ KBS से रिलेटेड ही नहीं जबकि हर एक स्टेट में होने वाले LT लेक्चरर मैथमेटिक्स का कोर्स मिलेगा। आज हम बात करेंगे 29 और 30 जनवरी 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नमामि गंगे मिशन के तहत 5 दिवसीय गंगा यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? यह हुई थी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। अगर इसका आंसर उत्तर प्रदेश है तो उस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था? यह किया गया था गांधीनगर में किया गया था। और गांधीनगर कहाँ है? गांधीनगर है गुजरात में। अगर गांधीनगर गुजरात में है तो गुजरात से रिलेटेड चीज़ है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अब ये जो तीसरा आलू सम्मेलन हुआ था यह किस देश के सहयोग से हुआ था? यह जो देश था हमारा सहयोगी देश था यह था नीदरलैंड। और ये किस किस किन किन से सहयोग से हुआ था? यह हुआ था आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है, उसकी मदद से। और किसकी मदद से? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? लीमा। इन दोनों की सहयोग से वैश्विक आलू सम्मेलन इस बार का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2018-2019 में सब्जी उत्पादन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह शीर्ष स्थान प्राप्त किया था पश्चिम बंगाल ने। अगर आंसर पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड चीज़ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता था? यह जीता था हमारे प्रदेश उत्तराखंड ने। अगर उत्तराखंड ने जीता था तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो हम जानते ही हैं कौन है और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधान परिषद भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कर रखा है? तो यह कर रखा है आंध्र प्रदेश ने। अब विधान परिषद को भंग करने का अपना प्रस्ताव पारित किया है तो अब आंध्र प्रदेश है तो इसका आंसर तो आंध्र प्रदेश से संबंधित बातें करते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सुनील मेहता। अब बात करते हैं भारतीय बैंक संघ की, तो भारतीय बैंक संघ के जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 26 सितंबर 1946 को जो हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है रजनीश कुमार। अब जो CEO बनाए गए हैं वह बनाए गए हैं सुनील मेहता। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गणतंत्र दिवस पर रविवार को आयोजित परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। ये जो असम की जो झांकी है उसे सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया। तो अगर असम है तो अब हम बात करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल कौन है? ये जगदीश मुखी। और जो दूसरा स्थान मिला था वह मिला था उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? अंडर वाटर मेट्रो किया जाएगा, इसका जो आंसर है यह है कलकत्ता। और अभी अभी हमने मैंने बता रखा था कि कलकत्ता, अब देखो कलकत्ता कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अभी बताया था ममता बनर्जी, और इनके जो राज्यपाल थे वो थे जगदीश धनखड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने एक आभासी पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया है? हाल में ही जो किया गया है उड़ीसा ने किया गया है। तो अगर अब उड़ीसा ने किया गया है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, इसको आप कमेंट कर दीजिए जिससे कि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और सभी अपने साथियों को शेयर करें। हर सुबह छः से सात बजे के बीच में हमारी करंट अफेयर की रोज़ करंट अफेयर की वीडियो आ जाती है और मैथमेटिक्स का आपको हर एक वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए भारत माता की जय।